हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 2014 एडवांस का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से है। वैसे ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, चाहे मेंस का एग्ज़ाम हो चाहे एडवांस का एग्ज़ाम हो। तो क्वेश्चंस क्या है कि लेट एन वन इज़ लेस देन एन टू, लेस देन एन थ्री, लेस देन एन फोर, लेस देन एन फाइव, मतलब ये ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। ये नंबर दी है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है मतलब नेचुरल नंबर है। करेक्ट है सच दैट एक और कंडीशन है कि एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री प्लस एन फोर प्लस एन फाइव इक्वल टू 20, ठीक है। देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट, मतलब हमको एन वन एन टू एन थ्री एन फोर और एन फाइव ऐसे चाहिए जो इस कंडीशंस को भी सेटिस्फाइड करे और इस कंडीशंस को भी सेटिस्फाइड करे। अब क्वेश्चन आता है, देखो पहला वाला जो कंडीशन है एन वन लेस देन एन टू लेस देन एन थ्री लेस देन एन फोर लेस देन एन फाइव, यहाँ से हमको एक ऑर्डर परमुटेशंस का हिंट मिलता है कि भाई ये ऑर्डर परमुटेशन है, ठीक है। दूसरी बात, जब आप इस इक्वेशंस को देखते हैं और ये पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है तो यहाँ से हमको ऐसा लगता है कि ये पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस का कॉन्सेप्ट है। और हाँ भी, अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं हो और इसको सॉल्व करना हो तो इसका तो सॉल्यूशन क्या आ जाता है, एन माइनस वन सी आर माइनस वन से दिया जाएगा, जिसमें एन यहाँ पर 20 है, 20 माइनस वन सी और आर यहाँ पे 5 है, मतलब 19C4। अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होता और पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशंस की बात करता तब तो ये 19C4 बड़े इजीली हम फाइंड आउट कर लेते थे, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे ये केस तो नहीं है कि 90 अपना पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन सिर्फ इस इक्वेशन का नहीं, ये कंडीशन को भी हमको चेकआउट करना है, करेक्ट है। तो ये कंडीशन को चेकआउट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ट्राई एंड एरर मेथड लगाना पड़ेगा। तो ये ट्राई एंड एरर मेथड भी बड़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, खास करके एडवांस के एग्जामिनेशंस में। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, ये एन वन एन टू एन वन एन टू एन थ्री एन फोर और एन फाइव, इनको वैल्यूज देना स्टार्ट करेंगे इस प्रकार से कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाए और ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं, ये वन, ये टू, ये थ्री, देखो वन टू थ्री फोर के दे रहा हो क्योंकि एन वन लेस देन एन टू लेस देन एन थ्री लेस देन एन फोर है, तो यहाँ तक तो हम चले गए। फोर थ्री सेवन टू नाइन टेन हो गए, तो इसको मैं 10 दे देता हूँ। तो अब ये वाला अरेंजमेंट परफेक्टली इन दोनों सिचुएशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। देखो वन को मैं एज इट इज रखता हूँ, टू रखता हूँ, ये थ्री को भी एज इट इज, अब इस फोर को फाइव कर देता हूँ तो इसको नाइन कर दूंगा, ओके है। वन एज इट इज, टू एज इट इज, थ्री फोर को मैं सिक्स कर देता हूँ, इसको एट कर देता हूँ, ओके है। फिर वन टू थ्री इसको सेवन करूंगा तो इसको सेवन करूंगा, इसका मतलब यहाँ से ये केस खत्म हो जाता है जब आप एन फोर और एन फाइव में डिस्टिंक्ट नंबर देते हो और कीपिंग एन वन और एन टू और एन थ्री को सेम रखते हो, करेक्ट है। हाँ, तो ये चीज तो यहाँ से खत्म हो गई। अब हम एक काम करते हैं, इस थ्री को चेंज करते हैं और इसको फोर रखते हैं, इसको फाइव रखते हैं, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा तो यहाँ पे 8, ये ओके है, करेक्ट। फिर 1 2 4 इसको मैंने 6 लिखा तो ये 7, ये भी ओके है। और अब देखना यहाँ पे अगर मैं 7 करूँगा, करेक्ट है, तो यहाँ पे मुझे 6 करना पड़ेगा, करेक्ट। देखो 4 2 6 और 1 7, 7 ये करेगा तो 14 करूँगा तो यहाँ 6 आ जाएगा, तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो जाएगी, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, मतलब इसके आगे कोई केस होने वाला नहीं है, उसको लिखने की अब जरूरत नहीं है। तो आई थिंक दैट एन थ्री में जो 3 के बाद 4 वाला कंडीशन है वो खत्म हो गया। अगर 5 वाला कंडीशन रख के देखें तो क्या होता है, 1 2 5 6 11 12 14, इसको 6 देना पड़ेगा, मतलब अब यहाँ जो एन थ्री है उसमें अब आगे कोई नंबर नहीं आएंगे, 5 से ही हमने देख लिया कोई केस नहीं बन रहा है, 6 नहीं देंगे, तो मतलब यहाँ तक के अभी
1 2 3 तक के, फिर 1 2 4 से मात्र से 1 2 3 4 और 5 अरेंजमेंट आ गए जो इन दोनों सिचुएशन को सेटिस्फाइड करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें 3 करते हैं, 1 ये 3 किया, ये 4 किया, ये 5 किया, 13 तो ये 7, ये तो ओके है, करेक्ट है, 1 3। अब इसको 5 किया तो इसको 6 करूँगा, तो इसको 5 करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से, मतलब ये जब मैं 3 करता हूँ तो ये एक ही केस बन रहा है, करेक्ट है, ये एक ही केस बन रहा है, बाकी केस नहीं बन रहा है, आगे फिर कोई बनेगा नहीं, ओके। इसको अगर मैं 4 किया, 1 4, तो ये 5, ये 6, मतलब आगे यहाँ से कोई केस बनने वाले है नहीं, करेक्ट है। तो अब यहाँ से भी केस खत्म हो गया, अब इसको चेंज करते, 1 को 2 करते, 5 14 और ये 6, ये वाला केस ओके है, ठीक है। अब अगर इसको फिक्स किया और इसको 4 रखा, इसको 5 रखा, इसको 6 रखा, तो फिर इसको 7 रखना पड़ेगा, जैसे 2, ठीक है, इसको मैंने आगे तो कुछ कर ही नहीं सकता, इसको 4 रख दिया, इसको 5 रख दिया, इसको 6 रख दिया, तो फिर ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला केस भी नहीं बनेगा, मतलब यहाँ आगे अब कोई केस बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अब आप जैसे 2 से देखेंगे तो एक ही केस बनेगा, 2 से फिर इधर कोई भी चेंज करोगे तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, 3 से कोई केस बनने वाला ही नहीं है। तो इतने पॉसिबल केस है, कितने, 1 2 3 4 5 6 और 7, फाइनली 7 इसका आंसर होगा, करेक्ट।